इंस्टेंट खिचड़ी बॉल बॉल यो बॉल। बड़ी बहन, बड़ी बहन, बड़ी बहन, माँ बड़ी बहन, अब जिंदा हो। हे भगवान, तेरा 2 लाख शुक्र है। लाख लाख शुक्र है मूछों वाले अंसा। तो लाख और लाख 2 लाख ही हुए ना। है ना बड़ी बहन, इनके कहने का बाबूजी को तो बाबूजी को तो कुछ भी नहीं आता। है ना भावेश कुमार। तो ये भावेश कुमार। अब बड़ी बहन, अब मुझे भूल गई। हिमांशु, पांच फुट 8 इंच, ऐसी बड़ी बड़ी मूछे, सेम ऐसी आंखें। हिमांशु, हाँ मैंने पहचाना ना। मैं तो सिर्फ ये देखना चाहती थी कि मैं इतने दिन घर से दूर रही हूँ, तो कहीं तू अपना नाम तो नहीं भूल गया ना। वो है अंसा। सा घर से तू इतने दिनों तक दूर रही, इसमें हिमांशु अपना नाम क्यों भूल जाएगा? ये उनका बोलना बहुत जरूरी था। अरे हरक पदुड़े, हरक पदुड़े। हिमांशु अपना नाम भूल ही जाएगा ना। एक हंसा भाभी थी जो दिन में 50 बार ए हिमांशु ऐसे करके हिमांशु को नाम से बुलाती थी। तो और आप तो इसे हमेशा मूछों वाले इंसान ऐसा कह के बुलाते हैं। बाबूजी को तो कुछ भी नहीं आता। या ये लाइन बोलना जरूरी था। क्या गुसर गुसर कर रहे हैं आप दोनों? जाइए, आप अभी के अभी मेरे लिए बहुत सारे गजरे ले आइए। जाइए। बड़ी बहन, अब पहले से कुछ ज्यादा हुक्म चला रही है। आपका हुक्म थोड़ा बढ़ गया है। नहीं, जब पेट्रोल के और खाने पीने के दाम बढ़ सकते हैं, तो मेरा हुक्म क्यों नहीं बढ़ सकता? अरे वाह 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 वाह, मेरी निर्मल बाड़ा, वाह क्या उदाहरण दिया है। बाबूजी सीखिए, कुछ सीखिए, अंशुकड़ी से सीखिए कुछ। बाबूजी को तो कुछ भी नहीं आता। ऐसा माना कि ये लाइन बोलने की तुझे हैबिट है, पर बाबूजी, बाबूजी आपने हैबिट कहा, हैबिट? प्रफुल हैबिट मतलब हैबिट अंसा। अरे वो मेरा बंगाली दोस्त शुभेंदु, याद है ना? वो रसगुल्ले परोसते वक्त क्या बोलता है, याद करो, क्या बोलता है, याद करो, याद करो। रसगुल्ला बहुत अच्छा है, प्लीज हैव इट, प्लीज हैव इट, हैव इट। हाश भगवान, बेटी संभल के जाना, अभी भी तुम कमजोर हो। 7 दिन से बेहोश थी आप। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। ए पुष्पा, तू है ना मेरा ये सेट ना अपनी शादी के दिन पहनना, एकदम सपक लगेगी, सपक। घोड़ा, तुझे बम्बई का रास्ता पता है ना? अच्छा तो चल, मेरे प्रफुल मेरा इंतजार कर रहे होंगे। चल 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 चल, हमें बहुत दूर जाना है, तू चल जल्दी चल। अंसा, बाबूजी को तो कुछ भी नहीं आता है ना चौकी। मैंने कुछ कहा? मुझे पता है कि आपको कुछ नहीं आता। ये ले, खुद ही पसंद करें मैं से साड़ी। ये सब छोड़ो ना अंसा, ये लो, आज ही मैं तुम्हारे लिए ये नई साड़ी ले आया हूँ, ले, ये लो। प्रफुल गधे, ऐसी सेम टू सेम साड़ी खरीदी थी ना कल तुम लोगों ने? लेकिन बाबूजी, वो मुझे थोड़ी टाइट हो गई है अब। साड़ी टाइट पड़ती है।
अरे ये कोई पतलून थोड़ा ही अंसा कि टाइट होगी। कल मैं जब वो साड़ी खरीद दे गई ना तो मैं इससे भी पतली थी। थोड़ा मेरा वजन बढ़ गया तो साड़ी तो टाइट होगी ना। फिर मुझे आपको कुछ नहीं आता। हंसा भाभी ये हाँ ठीक है। ला 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 ला। जय श्री। अरे ओ जय श्री। अरे बंदूक दे मुझे, बंदूक दे तू मुझे। बाबूजी बंदूक तो प्रतिमा बेन लेके गई है अपने पति को मारने के लिए, लेकिन आपको बंदूक क्यों चाहिए थी? वो दुर्गा अपनी नकली अंसा उससे मारने के लिए। अरे जब देखो तब बाबूजी तो चक्रम है, ऐसा बोलती रहती है। हाय लॉर्ड, उसे कैसे पता? मैंने तो उसे बताया ही नहीं था। काश ये असली अंसा जिंदा होती जयश्री, दुर्गा पटेल से तो लाख गुना अच्छी थी। ये तो बेचारी दिन में एक ही बार बोलती थी, बाबूजी को तो कुछ भी नहीं आता। और ये तो पास से चुपचाप गुजरता हूँ तब भी बोलती है, बाबूजी को तो कुछ भी नहीं आता। अरे ये हंसा भाभी तो वर्ल्ड बेस्ट थी बाबूजी, देखिए ना अभी भी कितनी खूबसूरत लग रही है। तू तो अभी ऊपर बैठी थी ना, तो नीचे कैसे आ गई? तो क्या बाबूजी मैं पूरी अपनी जिंदगी ऐसे घोड़े पर बैठी रहती? ऊपर घोड़ा है? नहीं नहीं ऊपर तो अपना गधा है। प्रफुल्ल भैया तो आपने ऐसा क्यों कहा कि घोड़े पर से? अरे जयश्री मुझे वो आदिवासी ने और उसकी बेटी ने इसे घोड़े पर बिठा दिया और मध्य प्रदेश के जंगल से भेज दिया। मध्य प्रदेश? तू कहना क्या चाहती है दुर्गा? दुर्गा कौन? तेरा नाम दुर्गा पटेल है? मेरा नाम दुर्गा है और मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। प्रफुल मोटी अरे ये तो हमारी वाली हंसा भाभी है। जयश्री ये तो जिंदा है साक्षात बुद्धिहीन प्रफुल्ल प्यारी। मेरे प्रफुल्ल का है वो तो एक मिनट भी मेरे बगैर नहीं रह सकते, वो मुझे देखने के लिए तड़प रहे होंगे। नहीं प्रफुल्ल तो वहाँ ऊपर बैठा है। अच्छा ये तो मैं ही जाके आती हूँ। रुक जा अंसा रुक जा, वहाँ जाना इस वक्त मुनासिब नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ जो दृश्य तू देखेगी ना तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मेरे प्रफुल्ल को फिर से कोई धमाधम पीट रहे? नहीं नहीं हंसा भाभी ऐसा नहीं है, जाइए। अच्छा आप ऊपर जाइए। अरे जयश्री बाबूजी जाने दीजिए हंसा भाभी को, आज नहीं तो कल सच्चाई सामने आने ही वाली है। जाइए हंसा भाभी। अच्छा मैं इसे छुपके से जाती हूँ और इसे प्रफुल्ल को पीछे से सरप्राइज दे देती हूँ। श्री अब क्या होगा? जो होगा देखा जाएगा बाबूजी। चलिए भाभी चलो फिर से खेलते। आओ मीना सुपर जीना लेजी बॉय लवली गर्ल्स। जयश्री
देखी अंशा भाभी? हाँ मैंने देखा जयश्री। मैं तो सोच रही थी कि मेरे बगैर मेरे प्रफुल्ल का क्या हाल होगा, लेकिन अब मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई भैसा। क्या? हाँ मैं तो प्रफुल्ल के साथ ही हूँ, वो तो मेरे ही साथ वहाँ खेल रहे हैं। ये तू जाके देख देख। अरे हंसा, प्रफुल्ल के साथ जो औरत है वो तुम नहीं हो। अब ऐसे कुछ भी मत बोलिए बाबूजी। उसने सफ़ेद साड़ी पहनी है, बालों में गोजरे डाले और आओ मीना सुपर सीना खेल रही है प्रफुल्ल के साथ। और तो और उसका चेहरा भी बिल्कुल मेरे जैसा है। और आप कह रहे हैं मैं नहीं हूँ, तो क्या आप है? अरे वो दुर्गा है, तुम्हारी हम शक्ल। एक मिनट बाबूजी। हाँ हंसा भाभी, मैं आपको सब समझाती हूँ। एक्सक्यूज मी। हाय जयश्री। अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। क्यों, मुझसे कोई गलती हो गई? देखो तो कौन आया है। हेलो, हाउ आर, खाना खा के जाना। हंसा है? ए हंसा। बाबूजी ये सब क्या है? अरे दो सेम टू सेम बड़ी बहन कौन रहा? बाबूजी होंगे हिमांशु, बाबूजी होंगे। दिवाली पर चप्पल की दो जोड़ी ले आए थे सेम टू सेम, इस बार हंसा ले आए। अरे बाबूजी को तो कुछ भी नहीं आता। अरे जयश्री, अब तो दो हंसा कह रही है, बाबूजी को तो कुछ भी नहीं आता। एक मिनट बाबूजी, शांति रखिए आप। अब तू ये क्यों बोली दुर्गा? दुर्गा? प्रफुल्ल भैया ये दुर्गा है। बस जैसी बात, आसपास में महिषासुर जैसे बाबूजी खड़े हैं इसलिए मेरी हंसा दुर्गा। अरे जैसी भाभी ये मेरी हंसा है, हंसा है ना, है ना, है ना। है तो फिर मैं कौन हूँ? तू वो लुच्ची औरत है, नकली हंसा, जो बेचारी मेरी प्यारी जयश्री को उल्लू बनाकर इस घर में घुसना चाहती है। तो आप यहाँ से चले जाइए, किसी को पता नहीं चलेगा। जाइए आप, जाइए यहाँ से जाइए। जयश्री प्रॉपर मुझे जाने के लिए कह रहे। एक मिनट हंसा भाभी, मैं देखती हूँ कि आपको यहाँ से कौन निकालता है। जयश्री भाभी मैं हूँ ना, मैं अभी इन्हें निकालता हूँ धक्के मार के। चलिए चलिए निकलिए। नहीं नहीं प्रफुल्ल, ये शक्ल सूरत से तो बिल्कुल मेरी तरह दिखती है। मेरे प्रफुल्ल मेरी हम शक्ल को ऐसे धक्के मार के घर से निकाल देंगे, ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ भैया। अरे वाह 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 मेरी हंसा लता, कितना कोमल हृदय है तुम्हारा। चलिए चलिए हम अंदर जाके गेम्स खेलते हैं। चल इमान, चल चल चल, हम जानते हैं क्या खेलेंगे। एक मिनट, ये सब क्या है, क्यों कर रही है तू ये सब? तू चली क्यों नहीं जाती अपनी दुनिया में? क्यों जाऊं मैं जयश्री, यहां ऐशो आराम की जिंदगी है। पति भाई देवरानी ससुर सारे मेरी सेवा करते रहते हैं, अच्छे अच्छे गहने कपड़े रोज रोज तोहफे में मिलते हैं, कोई काम नहीं, सिर्फ आराम की जिंदगी, खाओ पियो बैठे रहो। ऐसी जिंदगी छोड़ के मैं वो काम करने वाली जिंदगी में वापस चली जाऊं? जयश्री मैं हंसा नहीं हूं। अच्छा। बाय 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 बाय। तू हंसा नहीं है, ये अब मैं साबित करके दिखाऊंगी। बाबूजी आप प्रफुल्ल भैया को किसी दुकानदार के यहाँ बहस करने के लिए खुला छोड़ दीजिए। अब जयश्री मैं क्या करूँ? बताती हूँ, आप यहीं बैठे रहिए, तब तक मैं खास पेन लाके आपके हाथ पर निशान कर देती हूँ। अच्छा अच्छा। कम से कम मुझे तो पता रहे कि असली हंसा भाभी कौन है। लेकिन असली हंसा है कौन जयश्री? मैं हूँ।
मुझे तो थोड़ा थोड़ा शक हो रहा है कि कहीं मैं वो लुच्ची बदमाश तो नहीं हूँ। नहीं नहीं अंसा, तुम तो बेवकूफी की मिसाल हो। चलिए चलिए बाबूजी, वो खास पेन का बंदोबस्त करते हैं। बाय बाय बाय। हेलो, हाउ आर आई एम वेरी। तूने ऐसा क्यों कहा कि मैं नौकरी अंसा हूँ? वो तो मैं प्रफुल्ल के साथ गेम्स खेल रही थी। अच्छा, तू भी चलना हमारे साथ गेम्स खेलने। हम ऐसा करते हैं, हम एक दूसरे को मिक्स कर देते हैं। हम एक जैसे कपड़े और गहने पहन लेते हैं, फिर हम बैठ जाते हैं और फिर हम प्रफुल्ल से पूछेंगे कि प्रफुल्ल अब बताइए ना, हम में से असली हंसा कौन है? हंसा भाभी, हंसा भाभी, हंसा भाभी, चल। क्या है जयश्री? बॉडीज। हाय लॉर्ड, तुम दोनों में से असली हंसा भाभी कौन है? दोनों है जयश्री। हाँ, दिस इज ए हंसा एंड आई एम ए हंसा। दुर्गा पटेल, तुमने जानबूझ के अपने आप को हंसा भाभी के साथ मिक्स कर दिया है, ये तेरा ही काम है। तू क्या कह रही है जयश्री? मैं काम करूंगी। डोंट बी। हाँ जयश्री बहन। हाँ बड़ी बहन। बड़ी बहन? अरे इवेंचु, अब तू ही बता के हम दोनों में से असली हंसा कौन है? ये जयश्री को तो पता ही नहीं चल रहा है। मैं बताता हूँ जयश्री, असली हंसा कौन है? असली अंशा की कुछ चीजें मैंने नोटिस की है। बाबूजी, तूने नोटिस की है? बाबूजी, तू चिंता मत कर जयश्री, प्रफुल्ल ने मुझे नोटिस का मतलब समझाया है। हाँ, मुझे भी हो। जब हम किसी दुकान में कुछ खरीदने के लिए जाते हैं और हम ऐसे फटी हुई नोट देते हैं ना, तो दुकानदार हमें क्या कहता है? दिस नोट इज भंगार, दिस नोट इज नोट इज। अब क्या होगा बाबूजी? अरे तुम दोनों में से असली हंसा भाभी कौन है? मैं हूँ जयश्री असली हंसा। मैं भी हूँ असली हंसा जयश्री। मैं लहूलुहान हूँ हंसा। प्रफुल्ल, मुझे वो दुकान वाले ने मारा। अरे प्रफुल्ल के सर से तो खून बह रहा है। हाँ, प्रफुल्ल भैया के बचने का नो चांस। ये तू क्या कह रही जयश्री मेरे प्रफुल्ल के बारे में? तू ही नकली जयश्री है। नहीं नहीं, तू ही नकली हंसा है दुर्गा। मेरे प्रफुल्ल को मैं, आप चलिए चलिए प्रफुल्ल, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। चलिए चलिए। अरे जल्दी जल्दी निशान लगा असली हंसा पर जयश्री। बाबूजी आप भी लगाती हो? लेकिन इसमें से असली बड़ी बहन है कौन? ये मेरी हंसा हिमांशु, ये मुझे लहू लुहान देख कर बेचारी बैठे बैठे ही रो पड़ी मुझे देख कर। यही हंसा मेरी, इसकी तरह नहीं कि दौड़ कर आई मेरे पास मुझे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए। बहु रुपियन, अरे मैं हूँ असली हंसा। आई एम ए रियल, शी इज एन इम्पोस्टर। हेलो इम्पोस्टर, मतलब नकली नकली प्रफुल्ल, इम्पोस्टर मतलब इम्पोस्टर अंसा। मैं बताती हूँ इम्पोस्टर मतलब, एक दिन भर काम करती हुई थकी हारी दुर्गा को जब एक पागल सा मगर प्यारा सा परिवार मिला, तो इस परिवार का हिस्सा बनने की लालच में मैं बहक गई। ये है आपकी हंसा। अच्छा, मैं हूँ हंसा भाभी। अच्छा, मैं तो पहचान गई थी दुर्गा,
लेकिन बाबूजी ये फालतू निशानियों की बातें करके धड़पड़ धड़पड़ कर रहे थे। बाबूजी को तो कुछ भी नहीं आता। इंस्टेंट खिचड़ी बॉल।